बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सही बुखारी की किताब के बाब किताब ईमान से हदीस नंबर 35 लेकर हाजिर हूँ। चलाएं इससे मुस्तफीद होते हैं। हमसे अबुल जमान ने बयान किया, उन्हें शुएब ने खबर दी, कहा इनसे अबू जनाद ने आरिज के वास्ते से बयान किया। आरिज ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से नकल किया, वो कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शबे कदर ईमान के साथ महज सवाब आखरत के लिए जिक्र इबादत में गुजारे, इसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हदीस नंबर 36। हमसे हरमी बिन हफस ने बयान किया, उनसे अब्दुल वाहिद ने, उनसे अमारा ने, उनसे अबू ज़रा बिन अमर बिन जुरैर ने, वो कहते हैं मैंने अबू हुरैरा से सुना, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकला, अल्लाह इसका जामिन हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है, उसको मेरी ज़ात पर यकीन और मेरे पैगंबरों की तस्दीक ने इस सरफरोशी के लिए घर से निकाला है। मैं इस बात का जामिन हूँ कि या तो इसको वापस कर दूँ सवाब और माल गनीमत के साथ, या शहीद होने के बाद जन्नत में दाखिल कर दूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर मैं अपनी उम्मत पर इस काम को दुश्वार ना समझता तो लश्कर का साथ ना छोड़ता, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊं, फिर ज़िंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर ज़िंदा किया जाऊं और फिर मारा जाऊं। चले आए हदीस नंबर 37 की तरफ चलते हैं। हमसे इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, उन्होंने इब्ने शहाब से नकल किया, उन्होंने हमीद बिन अब्दुर्रहमान से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रमज़ान में रातों को ईमान का रख कर और सवाब के लिए इबादत करे, इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जज़ाकअल्लाह।